नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। कुंभ नगरी हरिद्वार में भी शिव भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिला, जहां प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। इस दौरान हलचल इंडिया की टीम ने व्यवस्थाओं को परखा और घाट पर की गई व्यवस्थाओं को भी देखा। भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिव भक्त कावड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए हर हर बम बम के जय घोष कर रहे थे। यह नजारा काफी सुंदर प्रतीत होता था। देखिए हलचल इंडिया की एक खास रिपोर्ट। बम बम का जय घोष फिलहाल लगातार शिव भक्त कावड़िए यहां से गुजर रहे हैं। हरिद्वार की पवित्र नगरी पर इस वक्त शिव भक्त कावड़ियों का आगमन हो चुका है और शिव भक्त कावड़िए यहाँ से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार शिव भक्त कावड़िए हर हर बम बम के जयघोष के साथ लगातार चल रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे प्रशासन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। प्रशासन हर चप्पे चप्पे पर तैनात है और यहाँ पर लगातार अधिकारी और पुलिस कर्मचारी व्यवस्था बनाने में दुरुस्त लगे हुए हैं और आने जाने वाले प्रत्येक शिव भक्त कावड़िए के लिए यहाँ पर रूट व्यवस्था की गई है, जहां पर उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। यहां पर लगातार पुलिस कर्मचारी और पुलिसकर्मी अधिकारी सभी तैनात हैं और यहां पर काम कर रहे हैं। साधु संतों का भी आगमन है। कल यहां पर महाकुंभ का शाही स्नान है, जहां पर तीन अखाड़े के सभी संत स्नान करेंगे। हरिद्वार से सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाल। हर हर बम बम के जयघोष के साथ शिव भक्त कावड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि आज रात्रि 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हो चुका है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लगातार शिव भक्त कावड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और अपने अपने शिवालयों पर जलाभिषेक करने के लिए आतुर हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर हम लोग मौजूद हैं घाट पर। इस घाट का नाम है मुनिराज घाट। यहाँ पर मुनियों का घाट है और यहाँ पर मुनि स्नान करते थे। आज शाही घाट भी जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अन्य अखाड़ों के साथ भरपूर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर सुबह शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि को लेकर लगातार प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट बना हुआ है। मुजफ्फरनगर से हम और हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और गंगा घाटों पर लगातार जलाभिषेक की कवरेज कर रही है। हरिद्वार की पावन धरती, हरिद्वार में गंगा बहती है। गंगा जिसने धरती पर जीवन की शुरुआत की, भगीरथ इसे धरती पर लेकर आए थे, जिसके बाद गंगा हर जिले से होकर गुजरती है। खासकर उत्तराखंड और यूपी के कई इलाकों में गंगा का बहुत महत्व है। महाकुंभ 2021 भी शुरू हो चुका है, जो पूरे अप्रैल महीने तक चलेगा। आज हम हरिद्वार की पवित्र धर्म नगरी में मौजूद हैं, जहां पर हम मौजूद हैं श्री मुनीश्वर महादेव मंदिर पर। यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कल कल गंगा बह रही है और गंगा में लोग डुबकियां लगा रहे हैं। यहां पर कई घाट हैं जहां पर लगातार लोग जलाभिषेक करने के लिए जल भरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे, दूसरी ओर मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दूसरी ओर दिखाएं कि यहाँ पर महादेव मुनीश्वर मंदिर है, श्री मुनीश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शिवलिंग बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित किया गया है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो बड़ा ही मनमोहक और सुंदर दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए कई लोग अब से थोड़ी ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक होगा और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए लोग यहाँ पर आने शुरू होंगे। शिव भक्त कावड़िए के साथ साथ हरिद्वार धर्मनगरी के लोग भी यहाँ पर अपना मनोकामनाएं करते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से हमारी टीम यहाँ पर हरिद्वार आई है और हरिद्वार में हम लोग लगातार महाकुंभ के साथ साथ महाशिवरात्रि की भी कवरेज कर रहे हैं और कवरेज के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरिद्वार में प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं और यहां पर कल सुबह तीन अखाड़ों का एक साथ महाशाही स्नान है। कल शाही स्नान होगा और उसके बाद प्रशासन की सभी तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं। मुजफ्फरनगर से सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाल।